ये संगलदान स्टेशन, संगलदान रेलवे स्टेशन का इंट्रिंग पॉइंट है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संगलदान के रेलवे स्टेशन में हम मौजूद हैं, लेकिन अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। तो भाई लोग, ये रहा रेलवे स्टेशन का छत। तो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ एकदम से बढ़िया होंगे और आपका भाई भी एकदम से बढ़िया ही है। तो गाइज़, आज का व्लॉग कुछ इस तरह की जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अगर आप एंड तक देखोगे तो आज का व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखना, सकी बिल्कुल ही मत करना। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे हमारी तरह। तो आज हम ये व्लॉग कितने दिन के बाद बन रहा है, 5-6 दिन के बाद बन रहा है राशिद भाई के चैनल पे। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो आजकल आपने देखा होगा, हर खबर की सुर्खियों में ज़रूर है, वो है संगलदान। और संगलदान कटरा बानिहाल का जो रेलवे ट्रैक है, उसी की आज जो संगलदान का एक मेन स्टेशन आ रहा है इस रेलवे ट्रैक पर, आज हम आपको वो दिखाने ले जाएंगे। वहाँ पर अभी काम चल रहा है, कितना काम हो चुका है आपको हम सब दिखाएँगे। तो अब मिलते हैं हम सीधा आपको रेलवे स्टेशन संगलदान से। तो आज हमारे साथ जो है, हम तीन बंदे हैं, एक तो राशिद है, एक मैं हूँ, और तीसरी जो हमारे साथी है वो है ये हमारी फरारी, बेचारी पुरानी है। तो अभी इंशाल्लाह हम इसको मॉडिफाई भी करेंगे, अब इस पर बड़ा काम थोड़ा किया है राशिद ने, राशिद की बेस्ट है, तो धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे इसको अच्छे से मॉडिफाई करके। तो हम आपको अगली बार इंशाल्लाह इसको एक अलग रंग होगा इसका, अलग ही इसका सब कुछ चेंज करेंगे। यहाँ पे इसको स्क्रैचेज वगैरह है ये भी ठीक कराएंगे, सीट कवर वगैरह सब राशिद भाई चेंज कराएंगे। राशिद भाई से मैं कह रहा हूँ कि इसको जल्दी से आप जम्मू पहुँचाओ, इसका काम कराओ। जैसे इसका काम होगा तो आपको एक नई इसकी शक्ल दिखेगी, नई शो में आपको स्कूटी दिखेगी। तो भाई लोग, ये रहा संगलदान का रेलवे स्टेशन, देख सकते हो आप। तो गाइस, जैसा कि आपको हम बताए थे, आज हम आपको रेलवे स्टेशन संगलदान में ले चलेंगे, वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे काम किस तेज़ी से चल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संगलदान के रेलवे स्टेशन में हम मौजूद हैं, लेकिन अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं है, इस पर काम अभी भी चल रहा है। यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, लेकिन काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में या महीनों, 1-2 महीने के अंदर यहाँ से हमें ट्रेन भी दिख जाएगी। ये स्टेशन बनाना कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे खुदाई करनी थी, यहाँ पे ये पूरी ज़मीन थी, ऊपर से जो वॉल्स आप देख रहे हैं ये पूरा खोद के कंपनीज ने इसको लेवल किया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक बिछाना, यहाँ पे इसको लेवल करके मशीनरीज का इस्तेमाल करना, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। जैसी कि ज़मीन है काफ़ी दसी भी होगी ये ज़मीन, उसके बाद टनल्स का बनाना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हार्डवर्क उनने किया है, रेलवे जिस कंपनीज ने इस पर हार्डवर्क किया है, हम संगलदान के लोग, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग उनका काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उनने यहाँ पे आखिरकार एक जो सपना था, काफ़ी पुराना सपना था लोगों का, कुछों को तो लग रहा था शायद ये नामुमकिन है, लेकिन उनने इस चीज़ को पॉसिबल किया। और आने वाले महीनों में हमें यहाँ से गुजरते हुए ट्रेन दिखाई देगी। हर चीज़ के जो है दो पहलू रहते हैं, एक डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी होता है। तो इसी तरह ट्रेन के, मुझे तो लगता है संगलदान के लोगों के लिए 70% ये एडवांटेज का काम करेगी, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर जाना, जम्मू जाना काफ़ी आसान होगा, और काफ़ी रेट्स में जो फेयर्स हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। और ये जो रेलवे स्टेशन संगलदान है, ये तो इसका सेंटर है संगलदान, जम्मू श्रीनगर रेलवे ट्रैक्स जो है उसका सेंटर स्टेशन आता है, तो यहाँ से लोगों को जम्मू जाना भी आसान होगा और श्रीनगर जाना भी। तो इसी चीज़ का इंतज़ार है कि कब इस वादी के, इस पहाड़ों के बीचों बीच ट्रेन गुजरेगी और लोग यहाँ से उस ट्रेन में सफ़र का किस तरह नज़ारा लेंगे। जैसा कि आप पहले ही जो साथी, जो भाई दोस्त हमारे सफ़र कर चुके हैं बानिहाल से श्रीनगर, तो आप देख सकते हैं कितना दिलकश नज़ारा होता है ट्रेन के चारों तरफ, जब वैली के बीचों बीच वो ट्रैक्स पे ट्रेन गुजरती है तो काफ़ी खूबसूरत रहता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है, या हमारे कैमरा को थोड़ा हम जूम करेंगे, ये हमारे श्रीनगर वाली साइड जाएगी यहाँ से ट्रेन। तो ये काफ़ी बड़ा है, काम अभी चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ टाइम तो ज़रूर लेगा अभी ये, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेशन है, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा रहा है, ये कटरा को ज्वाइन करेगा। लेकिन जो अभी जम्मू वाली साइड का काम है वो अभी अधूरा है, उसको कुछ टाइम लगेगा, जो इस साइड का काम बाकी है, क्योंकि आगे जो आपको पता है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना हुआ है, उससे कुछ काम अभी बाकी रहता है, पता चला है मुझे कुछ
कुछ मैं अपने रिलेटिव से बात की थी, उन्हें बताया था कि जम्मू में अभी थोड़ा शायद एक साल लग जाएगा, लेकिन श्रीनगर टू संगलदान तो अब चंद महीनों का मुझे लग रहा है इंतज़ार है, और फिर यहाँ से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से वहाँ पे वर्कर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मशीनरी साइड वायर्स वगैरह लगा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन में, मुझे नहीं पता किस चीज़ का काम करते हैं, ये इंजीनियर्स को ही पता होगा, लेकिन वो अभी बिछा रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्स बिछ चुके हैं, चार ट्रैक्स हैं और तीन प्लेटफॉर्म रहेंगे इस रेलवे स्टेशन पे, जो कि जम्मू से श्रीनगर गुजरती हुई ये ट्रेन आपको दिखेगी, तो तब आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है आप सब आएंगे यहाँ पे, एंजॉय करेंगे इस सफ़र को, काफ़ी अच्छा सफ़र रहेगा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा यहाँ पे। शायद थोड़ा सा संगलदान का जो है लोकल बिजनेस उस पर इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन गरीबों के लिए, सबके लिए काफ़ी आसानी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा NH 44 काफ़ी टाइम इंटरेस्ट में बंद रहता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, अभी उसका काम भी चल रहा है, लेकिन जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को आसानी होगी श्रीनगर जाने में, जम्मू जाने में, हर जगह जाने में, यहाँ पर आप दिल्ली जाने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ना आपको रेलवे ट्रैफिक में आपको सफ़र करना पड़ेगा, ना ही आपको लैंडस्लाइड्स फेसेस होंगी यहाँ पे। बस आपको आसानी यह है कि आप ट्रेन्स में आ सकते हैं, ना आपको कोई प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है ट्रेन्स का कि आपको ट्रैफिक जैम में फंसने का जो दिक्कत होती है, NH 44 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही रहती है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड से ट्रैफिक जैम हो जाता है, वो सबसे बड़ी राहत रहेगी यहाँ के लोगों के लिए। दूसरा स्टेशन हमारा सुंबड़ में, हम आपको अगला एपिसोड शायद हमारा वहीं से आएगा, हम आपको सुंबड़ का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है, इसका काम अभी कंप्लीट है, लेकिन वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तो अगला हम आपको उधर भी ले चलेंगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं और इस जगह जहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह मिलेंगी, यहाँ सामने से राशिद भाई दिखाना, यहाँ सामने से लगता है मुझे आपको टिकट्स वगैरह मिलेंगी, सामने से वो छोटा सा फ्लाईओवर बनाया गया है जो लोगों की क्रॉसिंग के लिए रहेगा, और यहाँ पे शेड्स वगैरह बनाए हैं, पैसेंजर शेड्स जो टिकट्स खरीदने का। ट्रेन काफ़ी आगे तक रहेगी, लेकिन ये शेड्स में ही लोग रुकेंगे बारिश वगैरह जो भी होगा। ऑल रेलवे कंपनी जिन्होंने यहाँ पे काम किया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ के लोगों को भी मुबारक हो, खुशी का बहुत बड़ा पल है हमारे लिए। इसमें काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं काम करते हैं, तो अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई इंसानियत होगी। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, काम इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट होने पे ये जितना खूबसूरत दिखेगा आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है, एक साइड से दूसरी साइड तक आपको अच्छी तरह नहीं दिखेगा, इतना बड़ा स्टेशन ना बानिहाल में है, बडगाम में नहीं गया हूँ, लेकिन श्रीनगर तक मुझे इतना बड़ा स्टेशन कोई नहीं मिला बानिहाल और श्रीनगर के बीच, और ना ही शायद उधमपुर और जम्मू का भी इतना बड़ा स्टेशन नहीं है। जब आप इस ट्रैक पे आएंगे, इस रेलवे ट्रैक पे आप एक बार सफ़र करेंगे तो आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा कि ये स्टेशन सबसे बेस्ट है। संगलदान के लोग यहाँ पे खूब इंजॉय करें, मज़े लें। संगलदान स्टेशन, संगलदान रेलवे स्टेशन का इंट्रिंग पॉइंट है फॉर पैसेंजर्स, यहाँ से एंट्री होगी और आगे जाके आपको टिकटें भी मिलेंगी। भाई लोग यहाँ से देखो कैसे दिखता है स्टेशन, ये यहाँ से भी चेक करो, मैं इस टाइम छत में हूँ, ये देखो, और यहाँ सामने चेक करो। तो भाई लोग ये रहा रेलवे स्टेशन का छत, चेक करो आप, यहाँ से एंट्री है। गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से, हमारा जो छोटा सा, देखिए ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाना था, थोड़ा बहुत देखना था, मैं भी पहली बार आया हूँ जब से ये काम यहाँ पे आखिरी स्टेजेस में है, तो सबसे पहली बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ के वर्कर्स को, और हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है दाव पे लगा के ये काम जो है किया, यहाँ के लोगों के लिए किया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनको ये कंपनीज़ पे कर रही है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की रहता है और काफ़ी जाने इंटरनल्स में जा चुकी है। यहाँ पे हमें बात की एक दोस्त से, तो उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, तो उनके लिए आप सोच सकते हैं कि घर वालों को छोड़ के इतना दूर काम करने आए हैं और यहाँ पे अपनी जान गंवा दी, तो कितनी दुख की बात है, लेकिन फिर भी ये काम कंटिन्यू रहा, बाकी वर्कर्स ने इसमें कोई काम में खलल पैदा नहीं की, ना ही वो काम छोड़ के गए। आज का व्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और आज के व्लॉग अपने रेलवे स्टेशन के साथ एंड कर देते हैं, और ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन, आपने तो देख लिया, और आज के व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।